प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या राम नाम से जगमगा रही है। आज प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो गया था। श्री राम के बाल स्वरूप में मूर्ति का निर्माण किया गया है जो श्यामल रंग की है। ऐसे में कई लोगों के जहन में ये सवाल और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर भगवान श्री राम की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई है। इसलिए आइए जानते हैं क्या है भगवान राम की मूर्ति के रंग के पीछे का रहस्य। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज डॉट लाइव। रामलला की मूर्ति का निर्माण 2023 में पूरा हुआ था। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। मूर्ति को बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा है। रामलला की मूर्ति का रंग काला होने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए प्रभु राम को श्यामल रूप में पूजा जाता है। वहीं दूसरा कारण यह है कि श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला के पत्थर से किया गया है। यह पत्थर बेहद खास है। इस पत्थर को कृष्ण शिला और शालिग्राम भी कहा जाता है। कृष्ण शिला का रंग काला होता है, इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग भी काला है। श्याम शिला की आयु हजारों वर्ष मानी जाती है। यही वजह है कि मूर्ति हजारों सालों तक अच्छी अवस्था में रहेगी और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। वहीं क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है, ऐसे में मूर्ति को जल, चंदन, रोली या दूध जैसी चीजों से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि रामलला की मूर्ति का रंग काला इसलिए है क्योंकि यह उनके दयालु और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। कृष्ण शिला का रंग काला होने के कारण यह माना जाता है कि रामलला की मूर्ति भी सभी प्रकार के पापों और बुराइयों को दूर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना की जाती है, इसलिए भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि राम की मूर्ति के रंग के पीछे का रहस्य वह भी जान सके। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ डॉट लाइव।